हालांकि मैंने कोई फिल्टर नहीं लगाया एंड आई लुक सो ब्यूटीफुल. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर हैविंग अ ग्रेट डे. और दिस इज़ माय फर्स्ट व्लॉग एंड आई वांटेड इट टू बी सुपर स्पेशल. तो अपनी भाभी के बर्थडे से ज़्यादा स्पेशल मुझे कुछ भी और समझ नहीं आया अपना फर्स्ट वीडियो अपलोड करने के सेंस में. सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड टू माय फर्स्ट वीडियो. सो मेरे बाल जो हैं यहाँ पे वो थोड़े से भूसा टाइप लग रहे हैं, बट इट्स बिकॉज कि मैंने एक लिव इन सीरम यूज़ किया था जिसने क्लेम किया था कि वो बाल कर्ल करेगा, लेकिन उसने बाल कर्ल नहीं किए और बस ऐसे क्रिम्प टाइप जो है ना बाल उसने कर दिए हैं. सो अभी हम जो है वो कर्लर के थ्रू बाल कर्ल करेंगे बाद में. सो एज आई टोल्ड यू कि भाभी का बर्थडे है, तो अभी जो है वो मैंने बनानी है मैकरोनी और उनको मैंने रेडी कर दिया है, बाकी सारे काम कर लिए हैं, मैंने खुद भी अभी रेडी होना है. सो अभी जो है वो व्लॉग की तरफ मूव करते हैं. सो श्वैंक. सो इन द किचन नाउ, और अब मैं आपको मैकरोनी और जो मैरिनेट हुआ हुआ किचन चिकन वगैरह वो दिखाऊंगी और फिर जो प्रोसेस है उसके कुकिंग का वो शुरू करूँ. तो ये है मैरिनेटेड चिकन और साथ ये है जो मैंने सॉस बनानी है मैकरोनी के. ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो अनियंस का साइज़ ले सकते हो, मुझे वैसे ज़्यादा पसंद है लेकिन हमारा चॉपर ख़राब है तो मैंने ये जो है वो तीन लिए हैं बस. ठीक हो गया. और ये जो है वो काइंड ऑफ ड्रम स्टिक्स टाइप कुछ ये मेरी भाभी बना रही हैं. क्या है भला ये? चिकन पीस ही है. चिकन पीस ही है, मेरे ख्याल से उन्होंने स्टीम किए हैं. अच्छे ही होंगे इंशाल्लाह. अच्छा, और ये जो है ये है मैकरोनी. ठीक है, ये पूरा एक जो नॉर्मल पैकेट है ये वो वाला पूरा नॉर्मल. क्या इसमें क्या है? और ये आलू गोभी का हमारा आज का जो है वो सालन है. सो ये आलू गोभी का सालन है. वाह वाह. इस बर्तन के अंदर मैंने मैकरोनी बॉईल की थी, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा जो है वो ऑलिव ऑयल डाल दिया, बहुत ज़्यादा नहीं डाला, थोड़ा सा डाला है. तो अब मैं ये जो सॉटे किया हुआ चिकन था बिस्मिल्लाह वो मैंने इसके अंदर जो है वो डाल दिया है. अब इसको हम जो है वो बहुत ही स्लो फ्लेम के ऊपर सॉटे करेंगे. उसके बाद वो जो मिक्सचर था प्याज का, टमाटर का और हरी मिर्च का, उसको मैंने जूसर के अंदर जो है वो अच्छे से ब्लेंड करके फिर वो मैं इसमें डाल दूँगी. इनको चॉप कर लूँ और इसकी पेस्ट बना लूँ, उसके बाद फिर जो है वो ऐसे करूँगी तो ये चॉप हो जाएंगे. एक फिंगर स्नैप और ये सारा जो है वो पेस्ट बन गया. सो अब जो है वो मैं इसको उसमें डाल दूँगी और इसको थोड़ा सा और सौते कर लूँगी, फिर मैं उसके अंदर मैकरोनी डालकर सीजनिंग करके हमारी मैकरोनी डन हो रहा है. ठीक है, वीडियो बंद हो गई थी मेरे से. बहुत ज़्यादा जो है वो मैंने हाई फ्लेम नहीं किया था, बहुत ही लो फ्लेम के ऊपर ऑलिव ऑयल के अंदर मैंने इसको सौते कर दिया था. पहले मैंने इसको मेरी भाभी ने मैरिनेट किया था इसको मेरे ख्याल से विनेगर और कुछ स्पाइसेस के अंदर. मुझे ना बेसिकली वो चीज़ें पसंद हैं जो क्विक क्विक जो है ना वो डन हो जाए, मतलब लंबे लंबे कामों में मुझे जाना नहीं पसंद. मैं कहती हूँ बस टाइम जो है ना वो फटाफट बंदा यूटिलाइज करके किसी और चीज़ के ऊपर मूव करे. तो अब हमारी हो गई है मैकरोनी डन. मैं जो हूँ वो थोड़ा सा किचन को थोड़ा सेट करके जो है वो असर की नमाज पढ़ लूँ, और अभी तक मैंने कोई कुरान मजीद की तिलावत भी नहीं की तो वो भी कर लूँ, और फिर अल्लाह से प्यारी प्यारी सी चीज़ें मांग लूँ, और उसके बाद जो है वो फिर तैयार होके जो है वो फिर दोबारा जो है वो आगे चलती थी. सो ओके. सो मैंने कुरान मजीद भी पढ़ लिया और नमाज भी पढ़ ली, और इसके बाद जो मुझे नींद आई ना मैं फिर सोई और मैं अब उठी, तो अब जो है ना वो मैं अपने बाल करने लगी हूँ. कर ये जो है वो मेरे बाल हैं, मैंने कर ली मतलब जो है होता है ना सीरम समथिंग टाइप वो लगाया था कि मेरे बाल जो है ना वेवी शेवी हो जाए, कुछ हुए हैं और कुछ नहीं हुए. तो अब जो है वो मैं इनको विद द हेल्प ऑफ अ कर्लर कर्ल कर लूँ, और कर्ल हम करेंगे ऐसे 1 2 3 होकस पोकस. तो एक साइड मैंने अभी तक जो थी वो बालों की कर्ल की थी और उसका वो स्टार हो गया, फिर बाकी मैंने खजूर खा ली और बस थोड़ा सा ब्रश लगाया और लाइनर लगाया, और अभी मेरी एक साइड जो है वो कर्ल होने वाली रहती है तो मैं जो चीज़ें हैं उनको शूट कर लेती हूँ, उसके बाद जो है फिर मैं वो बाकी साइड जो है वो फटाफट कर लूँगी. होकस पोकस डन. ये फटाफट जो है वो मैंने अपने बाल कर्ल किए हैं, 5-10 मिनट्स के अंदर इसी तरह के बाल जो है वो कर्ल हो सकते हैं. फटाफट जो है वो मैं इनको किसी तरीके से सेट कर लूँ, पिन पुन लगा लूँ, और देन जाके जो है वो इफ्तार को ज्वाइन करूँ और अपनी भाभी के बर्थडे को सेलिब्रेट करूँ. ओके, सो आई एम रेडी. मैंने बस थोड़ी सी जो है वो यहाँ पे कैचर्स लगा ली है, मुझे पता है मेरी रूट्स दोबारा टचअप करने वाली होनी है, और कोई फाउंडेशन नहीं है, कोई कंसीलर नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ मैंने ब्लश लगाया, टिंट लगाया है और आईलाइनर लगा के जो है वो हाफ जो है वो कट लैशेज लगाई है. नेल पॉलिश भी मेरी सही तरह नहीं है, ये ब्रीथेबल नेल पॉलिश है जिसके साथ वजू हो जाता है, नमाज हो जाती है, इबादत हो जाती है. ठीक है, तो इस पर
डोंट थिंक एनी थिंग अबाउट इट. सो दिस इज़ माई कम्प्लीट लुक. और अब जो है वो मेरी वजह से सब रुके हुए थे, तो मैं भाग जाऊँ इससे पहले कि मेरे चित्तर आ रहा है. हालांकि मैंने कोई फिल्टर नहीं लगाया एंड आई लुक सो ब्यूटीफुल. हिना मैं कैसी लग रही मतलब की दुनिया मतलब की दुनिया. अच्छा मैं भाई आपकी और भाभी जान की थोड़ी सी वीडियो बना लूं फ्री. पहले मैं अपनी लुक स्मार्ट अपनी बना रही हूँ. कर्ल किए थे मैंने बाल, ठीक है, एज यू कैन सी. तो ये वाली साइड जो है ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो मतलब अच्छी कर्ल हो गई है. मतलब मैं खुद इस चीज़ को देख के ना 10 या 7 मिनट्स के अंदर मैंने टोटल जो है ना अपने सारे कर्ल्स किए हैं. कोशिश मैंने पहले की थी बीच में जो कर्लिंग सीरम होता है ना वो करके, लेकिन मेरे ऊपर उसने ज़्यादा जो है वो अच्छा असर नहीं छोड़ा. शायद मेरे बाल केमिकली ट्रीटेड हैं ऑलरेडी, इसलिए ऐसा होगा. लेकिन मैंने फिर कर्लर के थ्रू जो है वो कर्ल किए और 5-7 मिनट्स के अंदर ऐसे भी हो गए हैं तो बहुत. और ये वाली साइड तो मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी हुई है. मतलब मैं ऑस्ट्रेलिया नेक्स्ट टॉप मॉडल में जाने लगी हूँ, ठीक है. रियलाइज की मतलब डबल चिंग भी और बाल भी, ठीक है. सो होप टू सी यू सून नेक्स्ट टाइम, ठीक है. और बाकी वही टिपिकल भीख भी मांग दूँ मैं कि मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं टिकटॉक पे भी हूँ, मैं इधर फेसबुक पेज भी है और ये यूट्यूब चैनल भी है. सारी जगह जितने भी हैंडल्स हैं ना, इधर देखना है तहरीम, इधर देखना है, सारी जगह जितने भी हैंडल्स हैं ना वो टैमी तहरीम के नाम से ही हैं. TAMMY TAHRWM कुछ भी उसमें ऑफिशियल भी नहीं डला हुआ. आई विल ट्राई टू पोस्ट द लिंक्स डाउन बिलो टू. सो कुछ भी अगर आपको अच्छा लगा हो तो डू चेक देम आउट. और बेसिकली आई एम इन टू मेकअप एंड ब्यूटी, ठीक है. बट वीलॉग पहला मैं चाहती थी बिकॉज आई वॉन्ट कि मेरी लाइफ की जो भी फर्स्ट चीज़ें हो ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो ऑसम और स्पेशल हो. तो उसके लिए जो है वो मुझे अब आज के टाइम में अपनी भाभी की बर्थडे से ज़्यादा स्पेशल टाइम कुछ भी नहीं लगा. तो मैंने इसलिए जो है वो फर्स्ट वीलॉग जो है वो अपनी भाभी की बर्थडे का अपडेट किया. इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो मेरा प्लान ये है कि हम लोग शिफ्ट हुए हैं, ठीक है. तो एक वॉल है पूरी एक साइड पर, तो वहाँ पर मेरा प्लान ये है कि आई डू कैलीग्राफी टू, ठीक है. पेंटिंग्स एंड कैलीग्राफी इस साइड पर भी हूँ मैं बहुत ज़्यादा लंबी रहा, इसके ऊपर भी एक और सेपरेटली वीडियो बनाऊंगी. तो वो वाली जो पूरी वॉल है मैं उसको अपनी और अपनी मम्मा की पेंटिंग से जो है वो करना चाहती हूँ फुल, ठीक है. और जो मेरी मम्मा हैं वो बहुत औसम है, ठीक है. ये बता रही हूँ कि उनके पास ना रिकॉर्ड है इस चीज़ का कि उन्होंने बाय हैंड जो है ना 1,16,000 टाइम्स जो है ना वो बिस्मिल्लाह बाय हैंड लिखी. मतलब हमारे घर में जर्नल्स रजिस्टर्स जो है ना और पेंटिंग्स वगैरह डेकोरेटेड हुई हुई हैं, ये अलहदा से है. 1,16,000 टाइम्स उन्होंने बाय हैंड लिखी हुई हैं. तो आई एम वेरी प्राउड कि मैं अपनी मम्मा की बेटी हूँ और अपने पापा की बेटी हूँ. तो कुछ भी और आता रहेगा, मिक्स मुक्स ना आता रहेगा, ठीक है. सो आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और बी पॉजिटिव, स्प्रेड पॉजिटिव वाइब्स, ठीक है. पॉजिटिविटी के ऊपर रहें, नेगेटिव लोगों से जान छुड़ाएं, उनको फारिग करें, ठीक है. अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें, पॉजिटिव चीज़ें करें लाइफ में और पॉजिटिवली दूसरों को भी मोटिवेट करें, नेगेटिविटी ना रखें, ठीक है. अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं भी सबकी दुआओं करती हूँ. और इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम. अल्लाह हाफिज़.